एलविश यादव और शहनाज गिल की बॉन्डिंग कितनी अच्छी हो चुकी है। ये शहनाज के बीते दिनों जो एपिसोड उनका आया देसी वाइवी शहनाज गिल, इसमें देखा भी गया। लेकिन दोस्तों अब ये लग रहा है कि शहनाज गिल और एलविश यादव को साथ देख आसिम रियाज को मिर्ची लगने लगी है, और ये कहना गलत भी नहीं होगा क्योंकि हाल फिलहाल में ही आसिम रियाज एलविश यादव को लेकर काफी कुछ बोलते हुए नजर आए। इनकी एक अच्छी खासी कॉन्ट्रोवर्सी नजर आई जिसकी की शुरुआत की गई आसिम रियाज की तरफ से। आसिम रियाज ने क्लब में परफॉर्मेंस के दौरान एलविश यादव के बारे में काफी कुछ कहा, यहां तक कि उन्हें मिडल फिंगर भी दिखाई, और फिर इसके बाद से ही इनकी कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो गई। लेकिन दोस्तों ये बात भुला देने वाली नहीं है कि आसिम रियाज ने शहनाज गिल को भी कई दफा जाने क्या क्या कहा। कई बार उन्होंने अपने इंटरव्यूज में शहनाज गिल को टारगेट किया, लेकिन अब शहनाज गिल आसिम रियाज को जो यूं पीछे छोड़ लगातार आगे बढ़ती जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं आसिम रियाज को बुरा लग ही रहा है। और यही कारण है कि अगर एलविश यादव भी शहनाज के साथ हैं तो एलविश को भी टारगेट करते नजर आए हैं आसिम रियाज। और दोस्तों देखा जाए तो शहनाज गिल जिस वक्त में आसिम रियाज के साथ बिग बॉस के घर में नजर आई थी, उस वक्त शहनाज गिल आसिम रियाज के सामने इतना कुछ कभी नहीं थी। आसिम रियाज शहनाज गिल से काफी आगे थे, अगर देखा जाए तो करियर में वो उनसे काफी ऊपर थे। लेकिन अब जब शहनाज गिल आसिम रियाज को इतना पीछे छोड़ चुकी है, तो आसिम रियाज उन लोगों को कैसे छोड़ सकते हैं जो कि शहनाज की तरह ही अपनी मेहनत से ऊपर उठे हों। क्या आपको भी लगता है कि आसिम रियाज ने एलविश यादव को टारगेट शहनाज गिल की वजह से ही किया है? आप क्या कहेंगे कमेंट सेशन में बताए बिना बिल्कुल ना जाइएगा, और इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।